नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल की। दरअसल बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल चकराता के बिसोई मंदिर में महाराज महासु के दर्शन करने पहुंचे। महासु महाराज के दर्शन करने के बाद उन्होंने सिमोगा गांव में बिजट महाराज और शिलगुर महाराज के पौराणिक मंदिर में मथा टेका। इस दौरान जुबिन के साथ उनके पिता रामशरण नौटियाल भी मौजूद रहे। जुबिन नौटियाल ने बताया कि घर के बुजुर्गों ने बहुत वक्त पहले मन्नत पूरी होने पर महाराज को अपने घर ले जाने की इच्छा जताई थी, लिहाजा उन्होंने सिमोगा गांव पहुंचकर मंदिर के पुजारी और ग्रामीणों के साथ बैठकर तिथि निर्धारित की। ग्रामीणों ने जून महीने का समय दिया। अब जून के महीने में महाराज की पालकियां जुबिन नौटियाल के परिवार में क्यारी गांव जाएंगी। संदेश है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती है उस पेड़ की ऊंचाई भी काफ़ी आती है। और महाराज का तो आशीर्वाद ऐसा है कि जितनी बार भी उत्तराखंड वापस आने का मौका मिलता है महाराज बुला लेते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, प्रसाद मिल जाता है और अपने लोगों से भी मुलाकात हो जाती है। इस बार हम लोग आए हैं, एक मन्नत मांगी थी बहुत पुरानी जिसमें महाराज को हमारे गांव क्यारी आना था। मेरे बुजुर्गों की एक मन्नत थी कि महाराज जी को अपने घर ले जाना है, तो एक प्रक्रिया पहले की गई जो उसको जैसे छड़ी ले जाने की होती है, लेकिन उससे ना तो हम संतुष्ट थे और ना महाराज जी संतुष्ट थे। तो महाराज जी का हुक्म हुआ कि नहीं, मुझे खुद आना है, आपके मानता है। तो कल हम लोग बिसोई गए थे, जो हमारा जो कुल देवता है वहाँ से भी इजाज़त लेनी पड़ती है, तो हम लोग कल वहाँ बिसोई से इजाज़त लिए हैं और आज सिमोग में यहाँ महाराज जी के जो यहाँ पूरे वजीर साहब हैं सारा। उत्तराखंड में जल्द ही नगर निकाय के चुनाव शुरू हो सकते हैं। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि सरकार निकाय चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही नगर निकाय के चुनाव संपन्न होंगे। उन्होंने बताया कि देहरादून नगर निगम का ओबीसी सर्वे पूरा हो चुका है, नई वोटर लिस्ट पर काम चल रहा है, जल्द ही ये काम भी पूरा हो जाएगा। बता दें कि राज्य में निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को खत्म हो रहा है। नियम के तहत निकायों के कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाता है ताकि नए बोर्ड का गठन तय समय के अंदर किया जा सके। अक्टूबर का महीना खत्म होने को है लेकिन अब तक सरकार ने निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव कराने के मूड में नहीं है। हालांकि देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि जल्द ही राज्य में निकाय चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी। कि सरकार चुनाव के लिए जो है प्रतिबद्ध है। सरकार का जो ओबीसी सर्वे था उन्होंने लगभग हमारा पूरा हो गया। वार्डों में कुछ जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें वोटर लिस्ट जो है हर 5 साल में नई बनती है, तो ये कुछ काम चल रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें विलंब हो गया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि नवम्बर महीने में शीतकाल के लिए चारों धामों के कपाट बंद हो जाएंगे। इस बार चारों धामों में रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्रियों ने पहुंचकर अपने आराध्य देवों की पूजा अर्चना की। रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी ने इस साल रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्रियों के चारों धामों में पहुंचने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अकेले केदारनाथ में अब तक 17 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर अपने रोजगार चलाने वाले लोगों को काफी लाभ मिला है, खासकर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में यात्री इस बार आया है। 17 लाख का आंकड़ा जो है अकेले केदारनाथ में पार हो चुका है। ओवरऑल भी अगर आप चारों धाम की बात करिए तो पिछले साल से काफ़ी बड़ी तादाद में यात्री इस बार आया है, जबकि इस बार बारिश जो है, बरसात का जो सीज़न था वो अपेक्षा से कई ज़्यादा बारिश इस बार हुई, जिसके कारण छुटपुट रूप से रास्ते भी बाधित हुए। हालांकि चारधाम परियोजना के बनने के बाद सड़क मार्ग जो है वो अधिकतर खुला रहा, लेकिन फिर भी बारिश की वजह से जो
देश और दुनिया में एक संदेश गया कि वहाँ पे सड़कों की स्थिति खराब हो सकती है, उससे थोड़ा सा कम यात्री आया, लेकिन अगर टोटलिटी में आप देखेंगे तो ये रिकॉर्ड निरंतर बन रहे हैं और बहुत अच्छी कमाई जो है, जो क्षेत्रीय युवा बेरोजगार हैं, जो जिनका रोजगार यात्रा पे निर्भर करता है, उनको भी बहुत अच्छी कमाई इस समय हुई है। और जहाँ तक शीतकाल की बात है, अभी अभी आपने सुना होगा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उत्तराखंड सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान अफसरों से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील की। बता दें कि धामी सरकार 5 नवंबर तक सतर्कता सप्ताह अभियान चला रही है, जिसके तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाई जा रही है। सचिवालय में सीएम ने सभी अधिकारियों को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विजिलेंस के साथ साथ सभी अधिकारियों का दायित्व है कि वे अपने अपने विभाग में किसी तरह का भ्रष्टाचार न होने दें। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और इस देवभूमि से पूरे देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई का एक अलग संदेश जाना चाहिए। उधमसिंह नगर की सीमांत तहसील खटीमा में सीएम के नोडल अधिकारी ने लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही साथ उन समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास भी किया। आपको बता दें कि नोडल अधिकारी दिनेश यादव खटीमा पहुंचे थे। शिकायतों के निराकरण के लिए नोडल अधिकारी ने अधिकारियों से जरूरी जानकारी भी ली और समस्याओं के समाधान को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। सर, आज आप खटीमा में आए हैं और जन सुनवाई जनता दरबार में कर रहे हैं, क्या क्या मामले आए हैं? देखिए, विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अंतर्गत जो भी निवासी हैं उनकी पृथक पृथक विषयों से संबंधित एप्लीकेशंस प्राप्त हुई हैं, उनको जो भी नियम सम्मत कार्रवाई। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उत्तरकाशी में बीजेपी पार्टी ऑफिस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए उत्तराखंड में कई कदम उठाए गए हैं। राज्य में पशुपालन जैसे पारंपरिक व्यवसायों को नए और लाभकारी तौर तरीकों के साथ अपनाए जाने के लिए सरकार ने कई अहम योजनाएं शुरू की हैं। राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए भी कारगर कदम उठाने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसरों के सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। गंगा घाटी मेरा आना नहीं हो पाया था, इसलिए मैं यहाँ पर तीन दिवस के दौरे पर आया हूँ। कोई सौगात नहीं, कार्यकर्ताओं से मिलने, पशुपालकों से मिलने, मत्स्य पालकों का काम देखने, जो हमने यहाँ पर सरनौल में हैचरी दी है उसको देखने हैं, और कुछ समस्याएं जो हमारे विभागों की यहाँ पर धरातल पे हैं उनको सुनने आया हूँ कार्यकर्ताओं की और पशुपालकों के द्वारा। तो कुछ यहाँ पर समस्याएं बताई भी गई हैं, चारा बैंक की समस्या हमारे कोरोला में पशुपालकों ने बताई है, दूसरा हमारे नौगांव में जो है ब्लॉक जो है उसमें जो चारा बैंक है वो छोटा है, उसको बड़ा करने की एक योजना बताई गई है। तो मैंने घोषणा करी है कि मैं दोनों जगहों पर, एक जगह चारा बैंक का निर्माण होगा, दूसरी तरफ जो चारा बैंक है उसको बड़ा थोड़ा किया जाएगा ताकि पशुपालकों को समस्या ना हो। कहीं पे कुछ सोसाइटीज नहीं खोलने की बात करी गई, यहाँ पे दूध की अवेलेबिलिटी है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। शिव सिंह बिष्ट ने इस दौरान पीएमजीएसवाई विभाग को पहाड़ की लाइफलाइन बताया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क के लिए पूरी निष्ठा से काम करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कई सड़कों के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजे हैं, जिनके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। हर गांव को सड़क से जोड़ना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इससे बहुत ही सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में अपने पूरा संगठन का आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में तमाम हमारे पूर्व अध्यक्ष जी सहित सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं का, और विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ अपने प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने मुझे, आदित्य पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने मुझे सरकार में ये दायित्व निभाने का मौका दिया। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो विभाग मुझे मिला है वो विभाग कहीं ना कहीं इस पहाड़ की लाइफलाइन है, और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो हमारे जो गाँव वंचित रह गए, क्योंकि 250 की आबादी तक के गाँव, समस्त गाँवों को हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जोड़ने का काम अभी तक किया है, लेकिन हम सबका उद्देश्य है कि हम
जो पहाड़ के हमारे छोटे गांव हैं, जो 150 की आबादी के गांव हैं, उन गांवों को भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से उनको लाभान्वित हो, उनको जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। उसका प्रस्ताव हम लोगों ने भारत सरकार को। लगभग 30 देशों से जुड़े वन अधिकारियों का डेलीगेट्स इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर है। यहाँ उन्हें उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिल रहा है, साथ ही साथ वन्य जीवों के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी भी वे ले रहे हैं। यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट फोरम से जुड़े वन अधिकारियों ने राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज का दौरा भी किया। चीला रेंज में सभी ने राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन की वन्य जीवों से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और इको विकास समितियों के निर्मित उत्पादों के संबंध में भी जानकारियां ली। पार्क के अधिकारियों ने उन्हें पार्क से संबंधित डॉक्यूमेंट्री दिखाकर यहाँ की विशेषताओं और जानवरों के संरक्षण के लिए किए जा रहे कामों के बारे में भी जानकारी दी। The elephant site for almost 10 years. I think what I'm seeing here is very I'm impressed by what I saw here. That especially to hear that the local communities are involved in the co-management of wildlife is something that can contribute to a sustainable management of the wildlife. Today we're talking about we have one objective. We cannot be managing. ये United Nations Forum on Forest की टीम यहाँ पर आई है। कई देशों के प्रतिनिधि आए हैं, हमारे लिए सम्मान की बात है, गौरव की बात है और हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम उनको उत्तराखंड की जो खूबसूरती है, जो सरलता है वो भी बताएं, यहाँ की जो चुनौतियाँ हैं उनके बारे में अवगत कराएं और उनके निवारण के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में भी अवगत कराएं। हमने उनको बताया है कि राजा जी जिस प्रकार जैव विविधता से परिपूर्ण है उसी प्रकार यहाँ के बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के समाज सेवा प्रभाग का अभियान चिन्याली सौड़ पहुँचा, जहाँ सच्चे समाज सेवियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर एक आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को देश की संस्कृति के प्रति जागरूक करना था। इस प्रभाग के मोटिवेशनल स्पीकर गिरीश भाई और वीरेंद्र भाई ने अपने संबोधन में कहा कि समृद्ध समाज की पुनर्स्थापना के लिए समाज सेवकों का मन करुणा, संवेदना और उदारता से भरा होना चाहिए। मनुष्यता की आवाज कष्ट पीड़ितों की सहायता करने की होनी चाहिए और अगर मनुष्यता के समक्ष ऐसे अवसर आते हैं तो हमें अपने कर्तव्य से कभी चूकना नहीं चाहिए। अभी आपने जो वक्तव्य दिए आत्म शांति के लिए, किस प्रकार से हम अपने दर्शकों को ये दिखाएं कि आत्म शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। शांति मन में आता है और शायद हम बचपन से लेकर अभी तक मन को शांत करने की शिक्षा नहीं दी जाती। बच्चा या बड़ों को गाड़ी चलाने की शिक्षा दी जाती है, चलने की शिक्षा दी जाती है, बोलने की शिक्षा दी जाती है, लेकिन अपने मन को सही दिशा देने का, नेगेटिव से पॉजिटिव दिशा देने का ज्ञान नहीं दिया जाता है। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक विद्यालय है, यहाँ पे परमपिता परमात्मा राजयोग अर्थात अपने मन। बुलेटिन के आखिर में बात पौड़ी की, जहाँ हीरालाल टमटा की जयंती को शिल्पकार एकता दिवस के रूप में मनाया गया। बता दें कि हीरालाल टमटा प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति के संस्थापक थे, उनकी जयंती पर समिति की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही हीरालाल टमटा एक संघर्ष कथा पुस्तक का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में हीरालाल टमटा के परिवार के सदस्यों को भी सम्मानित किया गया, साथ ही हीरालाल टमटा द्वारा दिए गए योगदान को भी याद किया गया। शिल्पकार समाज के पुरोधा हीरालाल टमटा जी की 92वीं जयंती के अवसर पर मंडल मुख्यालय पौड़ी में हम लोग एकत्रित हुए हैं और हीरालाल टमटा जी की जयंती आज मात्र सिर्फ पौड़ी में ही नहीं, कोटद्वार, हरिद्वार, देहरादून, अल्मोड़ा, चमोली, हर जगह लोग उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि हीरालाल टमटा जी जो है इस समाज के एक हीरा समान व्यक्ति थे और उनके संघर्षों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला हमें देखने को मिलेगी अगर हम खोजेंगे तो। अभी हमारे साहित्यकार महेश आनंद जी ने उनके जीवन पर एक पुस्तिका निकाली है और आज उसका विमोचन भी हुआ है। मैं समझता हूं कि हीरालाल टमटा जी एक ऐसी शख्सियत इस समाज की रहे हैं जिन्होंने जमीन से लेकर और ऊपर तक इस समाज के विकास के लिए कार्य किया। आपको आश्चर्य होगा कि उत्तराखंड सरकार के जो शासनादेश 2013 में निकाला गया, जिसमें 47 उपजातियों का जो एक मामला है, उस शासनादेश में
हीरा लाल टमटा जी और प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति का नाम का उल्लेख सरकार द्वारा किया गया। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल से इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज।